मैं डॉक्टर नीता मिश्रा एकेडमिक कंसल्टेंट उत्तर प्रदेश से टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जो हमारा थर्ड पेपर था सेंसरी डिसेबिलिटीज उसके पहले यूनिट में हमने आपसे सेंसरी डिसेबिलिटीज क्या होती है उसके कितने प्रकार होते हैं तथा दिव्यांग बच्चों को वो किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है उसकी जानकारी दी गई थी जो हमारा सेकेंड यूनिट है इसमें हम आपको बताएंगे कि कान की संरचना क्या होती है कान किस प्रकार से फंक्शन करता है उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होती है और किस प्रकार कान के स्ट्रक्चर्स में समस्या उत्पन्न हो जाने से हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स श्रवण बाधिता होती है और इस बाधिता के कारण हियरिंग डिग्री ऑफ हियरिंग लॉसेस क्या होता है टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉसेस क्या होता है उसका बचाव कैसे किया जा सकता है इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे दोस्तों हमारा जो ईयर होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं पहला हमारा होता है एक्सटर्नल ईयर दूसरा हमारा होता है मिडल ईयर और तीसरा हमारा होता है इंटरनल ईयर जैसा आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं ये पोर्शन जो है ये यहाँ तक का ये हमारा आउटर ईयर होता है ये बीच वाला मिडल ईयर होता है और ये तीसरा हमारा इनर ईयर होता है मींस हमारे कान के तीन पार्ट्स होते हैं आउटर ईयर मिडल ईयर और इनर ईयर जब किसी प्रकार की साउंड कान में आती है तो वो ईयर कैनाल मींस आउटर ईयर के ईयर कैनाल द्वारा अंदर आती है जहाँ पे टिम्पेनिक मेमब्रेन यानी हमारा ईयर ड्रम होता है जब हमारा कोई भी साउंड ईयर कैनाल के माध्यम से टिम्पेनिक मैम्ब्रेन पे टकराता है तो इसमें कंपन उत्पन्न होते हैं कंपन उत्पन्न होने से मिडिल ईयर के जो तीन बोन्स होते हैं मैलियस इनकस एंड स्टेपस कौन कौन से बोन मैलियस इनकस और स्टेपस इन बोन में कंपन उत्पन्न होता है जब इन बोन में कंपन होता है तो हमारा साउंड मिडल ईयर से इनर ईयर में प्रवेश करता है इस इनर ईयर में तरल पदार्थ होते हैं ये हमारा कॉक्लिया होता है साउंड यहाँ से जब कॉक्लिया और तरल पदार्थ से टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है इसमें आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये साउंड यहाँ से फिर हमारा ऑडिट्री नर्व की तरफ बढ़ता है ऑडिट्री नर्व्स के द्वारा इस साउंड की ये किस प्रकार की आवाज़ है इसकी आइडेंटिफाई होती है और ये साउंड ऑडिट्री नर्व से हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि उस साउंड्स का मीन्स क्या है उसका कहाँ यूटिलाइजेशन होना है और किस प्रकार उसे रिप्लाई करना है दोस्तों अगर हमारे आउटर ईयर में किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो हमें सुनने में समस्या उत्पन्न होती है या हमारे मिडल ईयर में हो जाए या हमारे इनर ईयर में हो जाए इन सभी चीज़ों में अगर किसी भी प्रकार की बाधा कहीं पे उत्पन्न हो जाती है तो हम हियरिंग इम्पेयरमेंट से कॉजिंग हो जाते हैं हमें श्रवण बाधिता उत्पन्न हो जाती है आउटोर्स ईयर्स में अगर हमें किसी प्रकार की समस्या होती है तो हम विभिन्न प्रकार के हियरिंग एड्स का उपयोग करके इस समस्या को रिमूव कर सकते हैं लेकिन अगर मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमारी छोटी मोटी सर्जरी हो के हम किसी प्रकार के इक्विपमेंट हियरिंग एड्स इत्यादि का प्रयोग करके हम अपनी स्वर्ण क्षमता को बढ़ा सकते हैं परंतु अगर हमारी समस्या इनर ईयर यानी हमारे कोकलिया इन में हो जाती है तो हमें सर्जरी की आवश्यकता होती है और हमें कॉकलियर इंप्लांटेशन करना होता है कॉकलियर <सल्गलियर> इंप्लांटेशन के बाद ही हम अपनी श्रवण क्षमता को बढ़ा सकते हैं तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारे कान के तीन पार्ट्स हैं आउटर ईयर मिडल ईयर और इनर ईयर जो हमारी मुख्य समस्या होती है या तो आउटर ईयर में हो सकती है या मिडल ईयर में हो सकती है या इनर ईयर में हो सकती है आउटर ईयर मिडल ईयर दोनों में भी समस्याएं हो सकती हैं या हमारे आउटर मिडल और इनर तीनों ईयर्स में समस्याएं हो सकती हैं अगर हमारे किसी भी पार्ट्स में किसी भी प्रकार की सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो हमारे बोलने की भी समस्या इफेक्टेड हो जाती है और इस प्रकार हमें श्रवण बाधिता से ग्रसित होना पड़ता है ये प्रक्रिया कैसे होती है ये देखिए वातावरण की ध्वनियों को बाह्यकर्ण संग्रहित करता है बाह्यकर्ण पहले टिम्पैनिक मैमरेन से जुड़ी होती है जहाँ से मध्य कर्ण शुरू होता है मध्य कर्ण में स्थित पर्दे यानी ईयर ड्रम में ध्वनि टकराने पर वहाँ पर कंपन पैदा होता है जब कंपन पैदा होता है तो मध्य कर्ण में स्थित हड्डियाँ मालियस इनकर्स और स्टेपस में भी कंपन होता है जब इन हड्डियों में या इन बोन्स में कंपन होता है तो ध्वनि का संचार आंतरिक कर्ण में जाता है मीन्स इंटरनल ईयर में चला जाता है इस प्रकार से बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण द्वारा ध्वनि का संवहन आंतरिक कर्ण तक होता है जिसे हम संवहन तंत्र कहा जाता है सुनने का अंतिम भाग आंतरिक कर्ण में होता है जो तरल पदार्थ से भरा होता है जिसकी मदद से विभिन्न आवृत्ति एवं तीव्रता वाले संकेत विद्युत तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित हो जाती है जब आंतरिक कर्ण में कंपन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब वह श्रवण तंत्रिका के माध्यम से केंद्रीय श्रवण मार्ग यानी सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे तक पहुंच जाता है जहाँ पर संकेतों में स्पष्टता हो जाती है और ये सूचना हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन के ब्रोकरास के माध्यम से उस सूचना को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसका का रिवर्स रिप्लाई होता है डिग्री ऑफ हियरिंग लॉसेस कितने प्रकार की होती है श्रवण हास की मात्रा हम डेसिबल में इंडिकेट करते हैं ये विभिन्न प्रकार की होती है पहला जो आपका शुरू होता है वो अल्पतम श्रवण दोष यानी मिनिमम हियरिंग लॉसेस ये आपका सिस्ट डेसिबल से ट्वेंटी फाइव तक होता है अल्प श्रवण दोष जिसे हम लोग कहते हैं मिडल हियरिंग लॉस ये आपका ट्वेंटी सिक्स से फोर्टी डेसिबल होता है तीसरा आपका होता है मध्य श्रवण दोष यानी मॉडरेट हियरिंग लॉस जो फोर्टी वन से फिफ्टी फाइव डेसीबल तक होता है चौथा आपका मध्य गंभीर दोष यानी मॉडरेटली सिवर हीरिंग लॉस ये आपका फिफ्टी सिक्स डेसीबल से 70 डेसिबल होता है गंभीर दोष जैसे हम सीवर हियरिंग लॉस कहते हैं ये सेवेंटी वन डेसिबल से 90 डेसिबल होता है और अति गंभीर जिसे प्रोफाउंड हियरिंग लॉसेस कहते हैं ये 91 वन से ऊपर हो सकता है टाइप ऑफ हियरिंग लॉसेस जब हियरिंग लॉसेस होता है तो उसे हम लोग कहते हैं पहला हमारा होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस जिससे हम हिंदी में संवहन श्रवण बाधिता कहते हैं कान में प्रभावित भाग कंडक्टिव हीरिंग लॉस से कान का जो भाग इफेक्टेड होता है वो होता है बाह्य और मध्य कर्ण अथवा दोनों भी हो सकते हैं या तो आपका आउटर ईयर या मिडल ईयर या दोनों ईयर भी आपके कंडक्टिव हीरिंग लॉस में इफेक्टेड हो सकते हैं और इसका कारण क्या होता है कान में संक्रमण एवं चोट लगना किसी कारण से आप में कोई वायरल या बैक्टीरियल डिजीज हो गया हो और या कोई चोट लग गई हो तो आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉसेस हो सकते हैं इसे आप कैसे पहचानेंगे इसका लक्षण क्या है कान में दर्द होना लालपन होना सूजन आना मवार निकलना धीरे धीरे बोलना शोरगोल वातावरण वाता में सुनने में कठिनाई होना अगर आपको कंडक्टिव हीरिंग लॉसेस हुए हैं तो इस प्रकार के लक्षण आप में अवगत हो जाएंगे इसके रोकथाम के लिए हम क्या स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं तो पहला हम कान के अंदर नुकीली चीज़ों को नहीं डालना हम कान में किसी भी नुकीली चीज़ों को नहीं डालेंगे साथ ही साथ बच्चों के गाल पर थप्पड़ न मारना किसी भी लक्षण के पाए जाने पर डॉक्टर की सलाह लेना अगर हम इस प्रकार रोकथाम करेंगे तो इस कंडक्टिव हियरिंग लॉस को हम ठीक भी कर सकते हैं दूसरा हमारा होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जैसे हिंदी में कहते हैं संवेदी तंत्रिका क्षति अक्षमता ये किस कारण होता है उसके रीज़न क्या होते हैं शोरगुल वातावरण में ज़्यादा देर तक कार्य करना ज़्यादा हम लोग आज फैक्ट्रियोंज़ में या रेलवे स्टेशन पे ऐसे जो जहाँ पे काफ़ी साउंड है अगर उन स्थानों पे हम कार्य कर रहे हैं तो उसके कारण हमें हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है इसमें उच्च एंटीबायोटिक मेडिसिन का सेवन ज़्यादा करना या किसी प्रकार की वायरल बीमारी होने से भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉसेस हो सकते हैं इसके क्या लक्षण हैं हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉसेस है पीछे से पुकारने पे ना बोलना अगर किसी को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉसेस है तो अगर उसे हम पीछे से कॉल करते हैं उसका नाम लेते हैं उसको बुलाते हैं तो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं आता गलत उच्चारण करना किसी भी शब्द को सही ना बोलना उस शब्द को गलत प्रोनाउंस करना इशारों में बात करना मीन्स बोलने से बचना वर्डों का कम प्रयोग करना मैक्सिमम बातें वो इशारों के माध्यम से करना और अपनी बातों को तीज होकर बोलना तेजी से बोलना ये इसके लक्षण होते हैं अगर इस प्रकार की डिसेबिलिटीज हो जाए तो कैसे हम इसकी रोकथाम करेंगे इसके लिए निकट संबंधियों में शादी नहीं करना मैक्सिमम क्या होता है कि अपने ही रिलेशन में शादियाँ हो जाती हैं शादियाँ होने से अगर किसी को इस प्रकार के डिजिज से इफ़ेक्टेड है तो उसका उसके बच्चों पे भी इफेक्ट आ सकता है इसलिए हमें निकट संबंधियों से शादी नहीं करना चाहिए दूसरा शोरगुल से बचाव की तकनीकी ज़्यादा शोरगुल वाले स्थान पे हमें उसके लिए किस प्रकार सेव किया जा सके उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करना होगा बुखार एवं संक्रमण होने पर बिना डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन का सेवन न करना मीन्स अगर हमें बुखार है या कान में किसी प्रकार की समस्या है तो हम सीधे किसी डिस्पेंसरी से कोई मेडिसिन न लेकर डॉक्टर से पहले उसे कंसल्ट करेंगे और उसके बाद ही उसका प्रयोग किया जाना उचित होगा मिश्रित यानी मिक्स हेयरिंग लॉस मिक्स हेयरिंग लॉस से जो कान के भाग प्रभावित होते हैं वो वाह्य कर्ण मध्य कर्ण तथा आंतरिक कर्ण यानी हमारे जो कण के तीनों पार्ट्स हैं वाह मध्य और इनर ये तीनों भाग इफेक्टेड होते हैं और इससे क्या होता है कि हमारा श्रवण तंत्रिका वो इफेक्टेड हो जाती है और इसके कारण क्या है ये मिक्स हियरिंग लॉसेस क्यों होते हैं तो कान में ट्यूमर का होना श्रवण तंत्रिका का सही कार्य न कर पाना इन सब कारणों से मिक्स हियरिंग लॉसेस हो सकते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं लक्षण्स क्या होते हैं चक्कर आना कान के अंदर आवाज़ आना मीन्स कान में हमेशा कुछ सी सी सू सू ऐसे साउंड्स का आना कंटिन्यूटी बनी रहती है कर्ण छेपण दूसरे की बोली को समझने में समस्या उत्पन्न होती है मीन्स दूसरा क्या बोल रहा है उसकी बातों को अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है इसका रोकथाम के लिए हम क्या स्ट्रेटजीज कर सकते हैं तो इसके लिए हम चिकित्सीय सलाह लें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल परीक्षण कराना नेसेसरी हो जाता है नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जिसे कहते हैं केंद्रीय श्रवण प्रसंस्करण विकार इसमें जो कान के भाग प्रभावित होते हैं वो हैं श्रवण तंत्रिका एवं मस्तिष्क के श्रवण प्रास्था किसी के बीच में जुड़े क्षेत्र ये इंटरनल के पार्ट सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में जो कान के मैक्स भाग प्रभावित होते हैं वो होता है हमारा इंटरनल ईयर जहाँ हमारे सेंट्रल नॉब्स होते हैं इसका कारण क्या है किस कारण से ये भाग इफेक्टेड होते हैं तो शोरगुल वाले वातावरण कक्षा का वार्तालाप खुले दरवाजे और खिड़की भीड़ भाड़ वाला एरिया जैसे बस स्टैंड बाजार रेलवे इत्यादि होते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं लक्षण क्या है कक्षा की गतिविधियों में दुर्बल अवधान आता है मीन्स क्लास में अगर टीचर्स को टीच कर रहा है तो उसकी आवाज़ को सुनने में समस्या उत्पन्न होती है कक्षा में कार्य को समझ नहीं पाना दिए गए कार्य को अंडरस्टैंडिंग न कर पाना तथा न ही पूर्ण कर पाना शैक्षणिक प्रदर्शन कमजोर हो जाता है इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं कक्षा की शोरगुल को कम करना विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था में सुधार लाना मीन्स जिन बच्चों को सुनने में समस्या आ रही है सही वाक्य नहीं सुन पा रहे उन बच्चों को हम कक्षा में आगे की सीट पे बिठा सकते हैं वह एकल शिक्षण और अगर उनको अपने शिक्षण में कोई समस्या आ रही है तो शिक्षक उन्हें पर्सनली उसका शिक्षण कर सकते हैं और इनके लिए संसाधन कच की व्यवस्था की जाए जहाँ पे इन बच्चों के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट हो और वहाँ पे उनकी टीचिंग की जा सकती है नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल हियरिंग लॉस जैसे हम लोग कहते हैं क्रियात्मक श्रवण हास इसमें कान के जो प्रभावित भाग होते हैं वो किसी भी बीमारी का ना होना कान में किसी भाग में समस्या न होना न सुनने की ढोंग करना मीन्स हमें न तो हमारा आउटर ईयर इफेक्टेड है न मिडल है न ईयर है फिर भी हम साइकोलॉजिकली ये मान जा रहे हैं कि हमारे कान में किसी प्रकार की समस्या है और इस कारण हम किसी भी आवाज को सुनने में ढोंग कर रहे हैं कि हमें ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है इसका कारण क्या है किसी भी बीमारी का न होना कान की किसी भाग में समस्या का न होना न सुनने की ढोंग करना इसका जो मुख्य कारण है वो साइकोलॉजिकल रीज़न है अपने पे अटेंशन लेने के लिए इस प्रकार के हियरिंग लॉस को शो किया जाता है इसके लक्षण क्या हैं मूल्यांकन के दौरान न सुनने का ढोंग करना सुनने की क्षमता होने पर भी ये कहना हमें सुनाई नहीं दे रहा है इसका रोकथाम कैसे करें ये किसी प्रकार की एजुकेशनल कमी या अपने पास कोई डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो इस प्रकार के ढोंग किए जाते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ करना उन्हें पुनर्बलन फीडबैक प्रदान करना और उनसे आँख से आँख मिलाकर उन समस्याओं के लिए बातचीत करना कम्युनिकेशन करना ज़रूरी हो जाता है बच्चों आज जिस लेक्चर्स में आप कान की संरचना से अवगत हो चुके होंगे आपने देखा होगा हमारे कान के तीन पार्ट्स होते हैं आउटर ईयर यानी बाह्य कर्ण मिडल ईयर यानी मध्य कर्ण और इनर ईयर यानी आंतरिक कर्ण जब भी श्रवण बाधिता होती है हमारे ईयर्स के इन तीन पार्ट्स में किसी भी प्रकार की अवरोध उत्पन्न होने पर श्रवण बाधिता के हम शिकार हो जाते हैं इसलिए जिसके कारण हमें कंडक्टिव हेरिंग लॉस मिक्स्ड हेरिंग लॉस सेंसरी हेरिंग लॉस या फंक्शनल डिसऑर्डर इत्यादि प्रकार की हयरिंग लॉसेस हो जाती है इन हयरिंग लॉसेस को रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले अगर किसी भी प्रकार की लक्षण हो सुनने में समस्या उत्पन्न हो रही हो तो हमें एंटी डॉक्टर्स से सलाह लेना ई एन टी डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि उनकी सलाह के बिना अगर हम किसी मेडिसिन का यूज करें या किसी प्रकार की तांत्रिक या ढोंग इन सब चीज़ों में चले जाए तो धीरे धीरे ये हियरिंग की समस्या बढ़ती जाती है और जिसके कारण हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजिकल सोशल सभी पार्ट्स इफेक्टेड होते हैं तो इस प्रकार हम अपने ईयर्स को पहले सेफ रखें और अगर सपोज़ किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो उसे हमें ई डॉक्टर से बात करके उस समस्या को रिमूव करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है धन्यवाद